हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आइए आज हम बनाते हैं चने की दाल। चने की दाल वैसे तो बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन हमें ज़्यादातर ढाबा स्टाइल चने की दाल बहुत पसंद होती है, जो कि मेरे भाई को बहुत पसंद है। तो ये मैंने 125 ग्राम चने की दाल ली है, जिसे एक घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। तो आज हम इसे ढाबा स्टाइल में ही बनाते हैं। तो जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का कांदा लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, एक तेज़पत्ता। खड़े मसालों में मैंने सिर्फ थोड़ी सी जावित्री, दो टुकड़े दालचीनी के और चार लवंग लिए हैं, और यह है ज़ीरा। आप शाही ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ढाबा वाले शाही ज़ीरा का ही इस्तेमाल करते हैं। और आधा चम्मच हल्दी और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना। मैंने कुकर रख दिया है, जिसमें तेल ऐड कर दिया है गर्म होने के लिए। मैंने इसमें ऑयल कम यूज़ किया है, क्योंकि हम एंड में भी इसमें तड़का लगाएंगे इसके लिए। अब ढाबा स्टाइल बनाना है तो एंड में तड़का देना तो ज़रूरी है, तो इसीलिए फिर हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। ये देखिए, ये हल्की सी ब्राउनिश हो रही है, तो हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी। और जो अदरक लहसुन नहीं खाता है वो इसको स्किप कर सकता है, तो भी आपकी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसको अच्छे से, इसका कच्चापन निकलने तक हम इसे इस तरीके से भून लेते हैं। आप इस तरीके से भी कभी दाल बना के ट्राई करना, देखना सबको बहुत पसंद आएगी। अदरक लहसुन भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आप मसाले ऐड करो तो गैस के फ्लेम को लो रखना। फिर हम इसमें ज़रा सा पुदीना और कोथमीर इस तरीके से कट करके आप ऐड कर देना। आप चाहो तो हाथ से तोड़ के भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप गरम मसाला ले रहे हो तो खड़े मसाले ध्यान से लेना, क्योंकि खड़े मसाले अगर आप ज़्यादा लोगे और गरम मसाला ऐड करोगे तो दाल में कड़वापन आ सकता है, इसका ध्यान अच्छे से रखना आप। फिर हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता, ये सारे खड़े गरम मसाले। इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लेना अगर आप गरम मसाला यूज़ कर रहे हो तो। आप इसे दरदरा पीस के भी ऐड कर सकते हो, मैंने इसे ऐसे ही ऐड किया है। आप जैसे ही टमाटर डालो तो आप इसमें नमक ज़रूर ऐड कर देना। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। मैं एक चम्मच ऐड कर रही हूँ, मेरी 125 ग्राम दाल है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप बाद में चख के भी ऐड कर सकते हो। तो स्टार्ट में थोड़ा सा कम ही ऐड करना नमक। ये देखिए, इस तरीके से ये भुन चुका है, अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। इस तरीके से फिर जो मैंने दाल धो के भिगो के रखी थी, हम इसी पानी के साथ में उसको इस तरीके से ऐड कर देंगे। चने की दाल गलने में टाइम लगता है, आप इसलिए इसे एक से दो घंटा भिगो दीजिए। कम से कम एक घंटा तो ज़रूर भिगोना इसे, ताकि दाल जल्दी गल जाए। इसे पहले उबाल के फिर तड़का भी दिया जाता है, लेकिन कभी आप इस तरीके से बना के देखना, दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे और एक गिलास पानी। फिर हम इसे तीन सीटी आने तक वेट करते हैं, इसका तीन सीटी आने तक। ये देखिए, मैंने चार से पांच सीटी ले ली है। मैंने बीच में भी चेक किया था उसको, लेकिन नहीं गली थी। फिर मैंने दो सीटी और ली है, फिर थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। मैंने टोटल सात सीटी लगाई है, तब जाके ये दाल गली है। ये देखिए, इस तरीके से
अब आपको इसकी थिकनेस कितनी रखनी है ये आप पे डिपेंड है। मैं बस इसकी थिकनेस इतनी ही रखूँगी। अगर आपको और ज़्यादा इसको पतली करना है दाल को, तो आप इसमें पानी को गर्म करके फिर इस दाल में ऐड करना। मैं तो इतनी ही थिकनेस रखूँगी। फिर मैं इसको एक दूसरे ये देखिए मैंने इसे दूसरे पतीले में निकाल लिया है और ये दाल इतनी थिक है। मैं इतनी ही रखूँगी। अगर आपको और थोड़ी पतली चाहिए तो आप इसमें पानी गर्म करके ऐड करना, ऐसे ही ऐड मत करना वरना दाल का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने एक तड़का पैन लिया है। तड़के के लिए मैंने दो लाल अच्छी मिर्ची ली है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेल। फिर तेल को गर्म होने देंगे। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी तड़के के लिए, बस थोड़ा सा ज़ीरा से एंड में तड़का देने से दाल बहुत ही टेस्टी बनती है इसीलिए। और ये दो लाल मिर्च जिसे मैंने बीच में से तोड़ लिया था। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस भी करना और मेरी डिश वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप दाल तड़का किस तरीके से बनाते हो मुझे भी कमेंट में बताना। और आपको मेरे वीडियो खाने में मैं क्या डिश बनाऊँ वो भी मुझे आप सजेस्ट करना, तो मैं बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से। फिर एंड में हम इसमें थोड़ी सी एंड में ऐड करना थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर अच्छा आता है इसका। इस तरीके से फिर हम ये तड़का इस ये देखिए मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच। अब हम एंड में इस पे ऐड करेंगे हरा धनिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिश के साथ।